चलो सर, टाइप टू एम्बल है, टाइप टू है, ठीक है, मजा आएगा सर, पहले बने रहो, ठीक है सर, टाइप टू एम्बल। हाँ, अब टाइप टू में क्या करेंगे हम, बोले यार देखो अभी बराबर रेशियो आएगा, लेकिन हमें बराबर करनी पड़ेगी यार, क्योंकि याद रखिए उम्र का डिफरेंस बराबर होना ही चाहिए। सर नहीं है तो करना पड़ेगा, वही तो सीखना पड़ेगा टाइप टू में, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ रहे हो तो मैं कहा ना हम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो सर क्या बोला समझिएगा, 10 वर्ष पहले पिता और है ना उनके पुत्र ने बाप और बेटे की जो उम्र का जो अनुपात है वो तीन गुना थी। सर ये सवाल वही है क्या, इससे पहले सवाल में ये देखा था कि डायरेक्ट रेशियो लिख दिया था 3:4। अब आपको इस सवाल के माध्यम से मैं दो चीज सिखाऊंगा, टाइप टू और दूसरी कि रेशियो को ना देकर के हो सकता है कि उसको लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकता है, तो क्या करोगे आप, हम बोले देख लेते हैं। सर ये बाप और बेटा, ठीक है, यानी फादर और क्या सन, डन। सर इसकी उम्र का रेशियो हम बोले दिया हुआ है, समझ लो एक बार अच्छे से। सर बाप जो है सो बेटे से तीन गुना था, मतलब अगर ये 3 होगा तो गाइस ये 1 होगा, बात समझ में आया क्या। थोड़ा इधर साइड में लिख दूंगा क्योंकि इसको भी हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा। रुक जाओ, अरे एक बार मिट जाओ भाई, ठीक है, हम बोले ठीक है, उधर ये हो जाएगा फादर, ये हो जाएगा हमारा सन, ये 3 गुना था, 3:1। ये 10 साल पहले की बात कर रहा, मतलब पास्ट का डेटा, ये तो समझ आ गया सर। 10 साल बाद याद रखिएगा, है ना, तो सर 10 साल बाद क्या हो रहा है, पिता जो है सो उनके पुत्र की 2 गुनी हो गई, मतलब इसके उम्र कितना हो जाएगा, 2:1 बोलोगा एज 1। देखे रेशियो दिया नहीं था, नहीं हमारे सर को पहचानता हूं इनका डिफरेंस बराबर हो रहा है कि नहीं होगा तो टाइप 2 होगा। सर 3 में से 2 गया क्या 1, और यहां से 0 आ गया, अलग अलग आ गया, मतलब क्या हो गया टाइप 2। सर क्या करूं ये टाइप 1 बनाने के लिए, हम बोले बता रहे जबरदस्ती, ठीक, तो सर ये 1 को क्या करूं, हम बोले 2 से गुना करके 2 बना दो, तो सर क्या होगा, हम बोले फादर और सन का एक नया रेशियो आएगा। सर इस पर मत कुछ करना, वहां तो ठीक था 3:1, यहां से 2 से गुना करो, 2 दूनी कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2। अब गाइस मुझे बताओ किसका डिफरेंस बराबर आ गया कि नहीं, हां सर आ गया, और जैसे नया रेशियो निकाल लोगे तो पुराने वाले को भूल जाओ, ठीक है, पुराने वाले जल्दी भूल जाओ, अब जो भी आंसर दोगे नई रेशियो के साथ देना, ठीक है। अब आओ सवाल में हमारे हिसाब से इसके बीच का उम्र का गैप में कितना, 1 साल है, पहले 3 का था 4, मतलब 1 साल की कहानी है। सवाल बोला 1 साल की नहीं बेटा 20 साल का, बोले कैसे 20 साल, अरे भैया 10 साल पहले और 10 साल बाद, मान लो एग्जांपल प्रैक्टिस, हम आज 20 साल के एग्जांपल, 10 साल पहले हम कितने होंगे 10, और आज 10 साल बाद कितने हो जाएंगे 30, तो 30 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 20। याद देखिए कभी भी उम्र को घटाना हो तो प्रेजेंट में घटाओगे, जोड़ना हो तो प्रेजेंट में जोड़ोगे, समझ आया। चलिए तो सर यहां से इस 1 का मान कितने बराबर होगा, बोले इस 1 का मान बाबू 20 साल के बराबर होगा, तो सर इसका मान सवाल बोला क्या बताओगे, बोला सर दोनों का प्रेजेंट में रेशियो बोलो, तब अभी आप में से ज्यादातर बच्चे गलत कर सकता है, क्यों सर ना प्रेजेंट का रेशियो ये है ना ये है, ये पास्ट का रेशियो है नहीं 10 साल पहले, ये फ्यूचर का है, तो 2 तरीका, बोले क्या हो सकता है आज से 10 साल पहले निकालो 1 का मान 20, तो 3 का मान कितना हो जाएगा बोलो 60, और 1 का मान कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब आप समझा, बाप आज से 10 साल पहले 60 साल का था और बेटा 20 साल का था, सर हमको आज चाहिए आज, हमें आज चाहिए आज, चलो निकाल देते हैं। आपसे पूछ रहा हूं सर आज से 10 साल पहले कोई 60 साल का होगा तो आज कितना होगा, अरे सर 70, हम बोले गुड 70, अच्छा इसका बेटा जो है ना आज से 10 साल पहले 20 का था, आज कितना होगा सर तो 30 का होगा, तो रेशियो पूछा था ये 0:0 को क्या करो टाटा वाई वाई कर दो और 7:3 देख लो आंसर होगा कहां पे आएगा, इस ऑप्शन नंबर बी, बात क्लियर हुआ क्या, ये बैलेंस, ठीक है। ए मैन इज 24 इयर्स ओल्डर देन हिज सन, ठीक है, हिंदी में देखो एक अपने बाप अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, ठीक, आइए 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फ्यूचर मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, तो बढ़िया सुनो, ये बाप है ये बेटा है, क्या बोला कि सर जो है सो बाप बेटे से 24 साल बड़ा है, तो हम बोले अगर बेटा अगर x साल होगा तो बाप 24 साल बड़ा होगा, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा 24। देखिए ध्यान से, ये बाप है ये बेटा है, कैसे इसको बनाते समझ जाना, सर ये हो जाएगा x प्लस, ये वर्तमान उम्र है भैया, वर्तमान उम्र भाई प्रेजेंट उम्र है, हमने क्या बोले ये 2 साल बाद बोला, तो ये 2 साल जो जोड़ोगे हमेशा प्रेजेंट में जोड़ोगे, अगर घटाना होता तो भी प्रेजेंट में घटाते, समझो इस बात को यार, तो सर ये 2 साल बाद बोल रहा है तो 2-2 साल दोनों में जोड़ देना पड़ेगा अलग से, सर पहले बोलता घटा देते तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, सर ये होगा कि जो है सो ये बाप जो है ना ये बेटे से डबल हो जाएगा, तो बाप ऊपर है तो इसको 2 लिख दो, बेटा यहां पे है 1 लिख दो, देखो डबल का मतलब क्या 2:1, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, अब क्या करो कैलकुलेशन सीधा सीधा क्या कर लो कैसे, सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम बोले बहुत बढ़िया, तो ऊपर में होगा एक्स प्लस कितना बोलो 26, और ये हो जाएगा क्या 2x प्लस कितना हो जाएगा 4, सर 2x में x जगह क्या बचेगा x, और देखिएगा यहां पे सर इधर 4 घटाओ ना हो जाएगा कितना 22, तो सवाल पूछा क्या था x की समान, तो उसका बेटा को और बेटा का गुण पूछा था, ऑप्शन नंबर कौन सा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। सर सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है, मतलब पहले बार में सुभाष संतोष से छोटा है, ठीक है, इसका मतलब संतोष के उम्र में सुभाष की उम्र को घटाना पड़ेगा, और वो अशोक से वो उतना ही बड़ा है, मतलब कौन वो सुभाष, बतवा समझ आया कि नहीं, हम बोले नहीं सर, चलिए सर देखिए यहां पे, हम बोले यहां पे देख लो संतोष सुभाष से, ठीक है, ऐसे समझ आना सुभाष है, क्योंकि सुभाष संतोष उतना ही छोटा है जितना वह
ये बड़ा है किससे? अशोक से। मतलब अब सुभाष बड़ा है और अशोक छोटा है, तो अशोक का उम्र यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा भाषा कहानी क्या रामायण लिख रहे क्या, है ना? तो अब क्या करें, बोले अशोक इधर है कि जुड़ जाएगा, सुभाष उधर जाके क्या होगा, बोलो जुड़ जाएगा, तो अशोक इधर लाओ। तो सर ये हो जाएगा संतोष प्लस अशोक, और अगर ये उधर जाके जुड़ेगा तो दो गुने क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा। बढ़िया, ये सुभाष हो जाएगा, ठीक है। आइए, कुछ नहीं करना बाबू, संतोष और अशोक, यहाँ पे सवाल क्या बोला कि संतोष और अशोक का उम्र का तो सम दिया हुआ 48, हम बोले चिपकाओ यहाँ पे 48, सर ये 48 हम चिपका दिए, और ये हो जाएगा दो गुने उम्र ऑफ किसका, सुभाष का, ठीक है भैया, सुभाष का, ठीक है। सर ये दो से कराइए 24 बार में, इसका मतलब सर सुभाष का उम्र निकल गया, हम बोले हाँ निकल गया, बताओ क्या निकला, सर 24 साल निकल गया। और आप देख सकते हैं गाइस ये आंसर कितना आसानी से आपको दे दिए, बस आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना था, डी। आपको ये समझना चाहिए कि सर डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। सर क्या बोला, बोला ए स्टार्ट हिज बिजनेस, यानी हिंदी में बोले सर ए ने अपना व्यापार शुरू किया 85,000 के साथ कुछ महीने बाद। रुको, अभी तक तुम जितना सवाल किया था ना, दो पार्टनर या तो एक साथ आ जाता था, या तो कोई दो महीना बाद, या तो कोई तीन महीना बाद आता था, ठीक। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कुछ महीना बाद आ रहा है। सर कुछ महीना का मतलब क्या समझे, दो महीना, चार महीना, पांच महीना, बोले सुनो हम आपको क्या समझाते बिजनेस के, ये पूरा बिजनेस वाली टॉपिक है। हम बोले हाँ सर, तुम कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने समय तक किए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या फर्क पड़ता भैया तुम कब आ रहे हो, हमें मतलब उस बात से है कि तुम्हारा कितने दिन बिजनेस में रहे हो, ठीक है। तो पहला काम, ठीक है सर, तो ये 42,000 जो है 500 के साथ बिजनेस में जुड़ गया है। यदि वर्ष के अंत में, ये लाइन अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ष के अंत में जो बोलता ना, साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर, ये यही इंपॉर्टेंट, ये बतलाता कि बिजनेस चला कितना दिन का था, ठीक है। सर लाभ जो बांटा गया 3:1, साल के अंत में मतलब ये दोनों लाभ कितना बांट लिया, 3:1 में बांट लिया, तो बी कितने दिन कितने समय के लिए जुड़ा था, बी कितने समय के लिए जुड़ा था। यहाँ पे दो चीज सकता सवाल, सुन लो, कितने समय के लिए जुड़ा था, कितने दिन के बाद आया था, दोनों अलग अलग है। तो ज्यादातर सवाल भी पूछ सकता है कितने दिन के बाद आया था, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, मैं दोनों का ऑपरेशन कर डालूंगा। चलो सर बताओ, ये हो गया, हम बोले हाँ, ये बी हो गया। सर एक चीज बताओ, हम क्या निकाल रहे हैं, बोले रेशियो। तो सर एक चीज बताओ, ये 85,000 था, ये 42,500, पहले 2-2 जीरो का यहीं पे क्या कर लो, तुम टाटा बाय बाय करा दो, क्योंकि रेशियो निकालने बाद में कटेगा। हमारा मन तो चल रहा है 25 से यहीं कटा दो, सही बता रहा हूं, हम 25 से कटा के और छोटा कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी छोटा कर लोगे, यहां पर तुम्हारा कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट से और छोटा करो, बोले 25 से कटा दूं, हमें कितना कट जाएगा बताऊं, 8×32 और 2×34, 25 से करा देंगे 34 बार में, और ये 25 से कट जाएगा बोलो 17 बार में, सर 17 बार में 17 से करा देंगे दो, अरे दो ये बार में कट ही रहा था यार, इसी तरह इसका डबल है, छोड़ो इसको, रुको रुको रुको, इतना क्यों कहानी बता रहा हूं भैया, क्या सर? हम बोले सीधा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग ये इसका डबल है, हम बोले हाँ, तो इसको छोड़ा काट दो, इसको दो बार में काट दो, इसका मतलब समझो सर, दो ए ने अगर 2 रुपया लगाया होगा तो बी ने 1 रुपया लगाया होगा बिजनेस में, बात समझा, इन्वेस्टमेंट को वही छोड़ा करो यार, काहे यहां पे लाके तो अपना सर दर्द करोगे। सर ए ने बिजनेस की शुरुआत किया, मतलब ए तो पूरा 12 महीना रहा होगा, इसमें किसी को कोई शक है क्या, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है। सर बी कब आया, हमको बोले हमको क्या पता, हम इतना जानते हैं बी एक्स महीना रहा होगा, तो सर नहीं पता, इसको एक्स मान लो, ठीक है, एक्स महीना रहा होगा, बात समझ आया कि हाँ सर समझ में आ गया। तो मुझे बाबू बताओ तो ए और बी के हिसाब से समझो, ए और बी का जो ऐसा रेशियो क्या हो जाएगा प्रॉफिट का, हमारे हिसाब से देखो यहाँ पे 24, यहाँ पे देखो ना ये 24 हो जाएगा, नहीं देखो हमारे हिसाब से सर इसका प्रॉफिट का रेशियो 24:1 कितना होगा, एक्स होगा, नहीं हम बोले हाँ सर 24:1 कितना होगा हमारा, एक्स होगा। हम बोले सुनो ध्यान से, हम बोले ये हमारे हिसाब से है, हम बोले हाँ, सवाल बोला ना 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 3:1 में, हम बोले गुड आ जाओ, हम बोले भैया हमारा हिसाब है कि 24:x में पैसा बांटे हो, सवाल बोला नहीं हम तो 3:1 में बांटे थे, हम बोले बहुत बढ़िया, तो बाबू 3 से लिपटाओ इसको 8 बार में, इसका मतलब x इधर गुना करो, x बराबर कितना हो जाएगा 8 मंथ, तो आंसर तुम्हारा फिलहाल 8 मंथ होगा, क्यों, ये बिजनेस में कितना दिन तक रहा था, सवाल आपसे ये पूछा था कि बिजनेस में रहा कितना दिन है, कितने समय के लिए बिजनेस में जुड़ा था, सर ये 8 महीना आंसर तुम्हारा सही है, कौन सा ऑप्शन है पहला। लेकिन सुन लो ये सवाल, एक और बात पूछेगा कितने दिन के बाद आया था, पूछूं, 1 साल का बिजनेस था और कोई 8 महीना बिजनेस रहा, मतलब वो 4 महीने बाद आया होगा, कौन सी बात है, 12 महीने में 8 महीना घटा दो कितना बचेगा, 4 महीना। तो ये दोनों सवाल के लिए तुम तैयार रहना, ठीक है, याद रखना कोई ना कोई पटक देगा आपके सामने।